हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि जो ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं वो किस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और आपके स्टॉप लॉस वगैरह हिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेड लाइन। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उनमें अपन कुछ चीज़ों को लेके सेकेंड वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो कि SMC से रिलेटेड है। अब ये किसी भी मार्केट में हो सकता है, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट करते हो, चाहे स्टॉक मार्केट करते हो, चाहे साथ ही साथ आप गोल्ड वगैरह या में या क्रिप्टो वगैरह में किसी में भी आप ट्रेड करते हो, राइट। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि जो सपोर्ट है उसका कैसे यहाँ पे स्नेरियो वर्क करता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका सपोर्ट एक लेवल है, रेजिस्टेंस का सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है, आपका एक सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, मान लीजिए मार्केट अपसाइड से आ रहा है, मार्केट हल्का सा आया इस जगह, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे कि यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी मार्केट काफी बार जो है अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, तो मार्केट के हल्का सा उनको ऊपर दिखाएगा यहाँ पे कि मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और SL अपना यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, देन मार्केट क्या करेगा, ऊपर ना जाके हल्का सा नीचे आया, इन सबके स्टॉप लॉस उड़ा लेगा। ठीक है, अब स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे और नीचे आएगा, तो आप लोगों को लगेगा, जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको लगेगा, यानी कि आपको मेरे जैसे रिटेल जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते उनको लगेगा कि अब मार्केट क्या करेगा, डाउन जाएगा। बट मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट हल्का सा फिर से अगेन यहाँ जाता है और आपका फिर ऐसे ले लेता है, देन फिर मार्केट डाउन आना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इस मार्केट में आप समझिए हुआ क्या, इस मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि जितने भी मेंबर्स थे सभी मेंबर्स के मार्केट में यहाँ पे SL वगैरह हिट कर दिए सभी लोगों के। ठीक है, तो इन चीजों से आपको बचना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यही ट्रेड, अगर मान लीजिए ये जो ट्रेड है ये बाई साइड से थी, अब सेल साइड से क्या करता है, मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आया, यहाँ पे टैप करने के बाद क्या हुआ कि आप लोगों ने एक ट्रेड प्लान की। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मार्केट आपको टैप करने के बाद में क्या करेगा, हल्का सा मान लीजिए आपको मार्केट ने कुछ इस तरीके से डाउन दिखाया। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने डाउन दिखाया तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेंगे इसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपने यहाँ पे SL लगा दिया कुछ ऐसे और आपका ट्रेड बन गया इस तरीके से, ट्रेड सेटअप आपने बना लिया। ठीक है, ये ट्रेड सेटअप आपने बना लिया कि हाँ मुझे इस ट्रेड सेटअप को फॉलो करना है, देन मैं इसको कंसीडर करूंगा। बट मार्केट अब क्या करेगा, यहां पे अप जाएगा, अब आपके फिर मार्केट ने SL उड़ा दिए। ठीक है, अब SL उड़ा दिए तो आप क्या करेंगे, अगेन आप क्या करेंगे कि मार्केट जब अप जा रहा है तो आप यहां पर क्या करेंगे, एक बाई की एंट्री प्लान करेंगे कुछ इस तरीके से और उसका SL रख लेंगे यहां पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप एंट्री प्लान करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, अगेन आपका SL लेने के लिए मार्केट नीचे आएगा, देन मार्केट बूम, कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्केट ने क्या किया कि आपको बाई साइड में और सेल साइड में दोनों साइड में मैनिपुलेशन कर दिया। ठीक है, तो सेम इसी तरह से क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ये चीजें होती है, तो इसको बचने का एक तरीका है जो SMC आपका कंप्लीट करता है, जो कि इसका सेकेंड चैप्टर होगा जिसमें अपन SMC से सीखेंगे कि अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं, अगर आपको ट्रैप किया जाता है मार्केट में तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपना ट्रेंड लाइन पे। अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई ट्रेंड लाइन है तो उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब मार्केट क्या करेगा, अब समझने का ट्राई करना। सबसे पहले मार्केट क्या हुआ, कुछ इस तरीके से आया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट अगेन अप गया, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, सभी करेंगे, आप ही नहीं, मैं होता तो मैं भी एंट्री प्लान करता, आप होते तो आप भी एंट्री प्लान करते, जो कि सबका एक नॉर्मल सिनेरियो एंट्री प्लान की। ठीक है, अपने TP यहाँ पे रखा और SL अपन ने हल्का सा ये रख लिया यहाँ तक। बट अब SMC ट्रेडर्स जो होंगे वो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मार्केट क्या करेगा, हल्का सा आपको ऊपर दिखाया। ठीक है,
देन मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट अप गया आपका, ठीक है। ये आपका सिनेरियो कंप्लीट हुआ और आपकी ट्रेड प्लान हुई यहाँ पे। तो मार्केट ने क्या किया, ऑलरेडी आपका एसएल उड़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। इन चीजों से आप कैसे बचेंगे ये भी अपन सीखेंगे। अब साथ ही साथ आपका जो मार्केट है यहां से डाउन आता है, हल्का सा डाउन आने के बाद क्या करता है कि मार्केट वापिस अप जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ, देन मार्केट डाउन है, अगेन मार्केट अप गया। अब आप क्या करेंगे कि सपोर्ट तो आपने बना लिया, तो कुछ इस तरीके से आप एक चैनल भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जहां पर मार्केट आपका क्या करेगा, अगेन एंड अगेन चैनल को रेस्पेक्ट करेगा, बार बार जो चैनल है उसको टच करके आगे पीछे होगा, तो ऊपर नीचे होगा, तो आप उसी जगह से क्या करेंगे अपने ट्रेड्स वगैरह प्लान कर लेंगे, ठीक है। अब इस बार मार्केट किस तरीके से आपको ट्रैप करेगा, मार्केट हल्का सा डाउन आया देन मार्केट अप गया। अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक सेल साइड की एंट्री बनाएंगे, जो कि करीबन यहाँ आते आते आपने एक एंट्री प्लान कर ली है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप एंट्री प्लान करेंगे और आपका एसएल ये रहेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि आपका जो एंट्री पॉइंट हो वो यहीं तक हो, ठीक है, बट आपका मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आया देन आने के बाद ये कुछ इस तरीके से एसएल आपका लेगा, देन फिर आपकी साइड में आएगा ये अगेन मूव, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से आप ट्रेड करते हैं। ये सारे क्या होते हैं कि ये जो होते हैं जो बड़े बड़े बैंकर्स एंड इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपको ट्रेप करने के लिए इन सभी तरीकों का यूज करते हैं जिससे कि आप ट्रेप होते हैं, राइट। अब देखते हैं थोड़ा सा चार्ट वगैरह में चल के ये चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये यूएसडी का चार्ट है 4 आवर पे, इसको 1 आवर पे शिफ्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है, 1 आवर पे शिफ्ट हो गया। अब जैसे मार्केट 1 आवर पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हुई है, क्या क्या हुई है देखिए अब आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था इसके बारे में, अपन ने सपोर्ट लाइन एक ड्रॉ कर ली है यहाँ पे, ठीक है। अब सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद में देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, आखिरकार प्रॉब्लम आई कहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट ने अच्छा खासा रेस्पेक्ट दिया, देन मार्केट यहाँ तक अप गया, ठीक है। देन सेकेंड केस में क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा रेस्पेक्ट किया, देन मार्केट अप गया, ठीक है। थर्ड केस में क्या हुआ कि अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ रेस्पेक्ट किया, देन मार्केट अप गया, ठीक है। अब समझना हुआ क्या, अब आप लोगों ने यहाँ पे अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यहाँ तक भी अपनी जो ट्रेड प्लान की थी तो आपके मार्केट ने लगभग लगभग उससे थोड़े से नीचे आके आपके मार्केट ने पूरा एसएल हिट कर दिया आपका, जो कि आपका एसएल यहाँ पे था, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को अपन समझेंगे, आखिरकार ये बैंकर्स ऐसा करते क्यों हैं, उनको क्यों जरूरत पड़ती है इन चीजों की, ये सारी चीजें अपन समझेंगे, ठीक है। चलो कोई ना, एसएल हिट हुआ, बट अगेन आपकी जो ट्रेड है वो हमेशा आपका एसएल लेके पॉजिटिव साइड में जाएगी। तो कभी भी ऐसा नहीं कि आपका ब्रोकर करता या आपका ब्रोकर नहीं करता, आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपसे करवाती है, और बड़े बड़े जो बैंकर्स है उनको आपकी साइकोलॉजी ऑलरेडी पता होती है कि वो कैसे काम करती है, राइट, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको जो मैंने सिनेरियो बताया इसमें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस चीज को अपन यहां से थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कुछ और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और देखते हैं कहां पे, ठीक है। ये देखिए यहां पे एक और है, यहां से क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट सपोर्ट देन ये सपोर्ट, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या समझिएगा, थोड़ा समझने का ट्राई करना है आपको, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि आपका जो मार्केट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आया, ठीक है, देन मार्केट यहां पे भी आया अच्छा खासा, यहां से टैप करके ऊपर गया मार्केट यहां तक, नो डाउट बहुत अच्छी एंट्री दी, बहुत अच्छी एंट्री दी है मार्केट में। नेक्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, यहां से आया देन यहां तक एक एंट्री ली, बहुत अच्छी एंट्री है भी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, यहां से जो कैंडल है इसने क्लोज ना करके विग मारी नीचे अच्छी खासी, देन उसके बाद अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया, देन मार्केट क्या हुआ, डाउन आया। अब जब भी ये कहा जाता है कि अगर आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे कोई दो कैंडल या तीन कैंडल क्लोज होती है
या नीचे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो वहां से अपन सेल साइड एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, चलो मार्केट यहाँ आया, अपन ने वेट किया, अपन ने कंफर्मेशन का वेट किया, मार्केट आया अगेन, यहाँ पे अपनी एक कैंडल क्लोज दिखाया। ठीक है, एंट्री प्लान की अपन ने अच्छी खासी कि अपन यहाँ से क्या करेंगे, सेल करते हैं। सेल के लिए अपन ने स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया टॉप पे, तो भी मार्केट ने क्या किया, आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हिट कर गए। यहाँ पे क्या हुआ कि अगेन आपका मार्केट इतना डाउन जाने के बाद भी वापस इतना ऊपर गया है। ठीक है, ये चीज आप समझने का ट्राई करिएगा कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। ठीक है, डाउन आके अब क्यों गया इतना। दूसरी चीज ये कि अगर आप, ऐसा तो है नहीं कि एक एक घंटे वाला जो टाइम फ्रेम है 1 आवरली, उस पर आप एवरी एंट्री प्लान करेंगे। नहीं, आप जो एंट्री प्लान करेंगे वो 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट पे करेंगे या 15 मिनट पे कर लेंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 15 मिनट में आके देखोगे ना, कम से कम 10 कैंडल बनी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, और 10 कैंडल अगर आपके नीचे क्लोज होगी तो आपका इतना तो पैसेंस ही नहीं कि आप रुक जाए, आप इंस्टेंट इस ट्रेड को प्लान करेंगे एंड देन आपका लॉस हो जाएगा। राइट, चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे अपन कुछ देखते हैं। तो ये GBP USD का चार्ट है। ठीक है, अब इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह का भी अपन कुछ सिनेरियो देख लेते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे काफी सारी एंट्री वगैरह अच्छी खासी दी है मार्केट ने, बट प्रॉब्लम भी क्रिएट किया। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन बनता है अच्छा खासा, मार्केट यहाँ से डाउन आया। ठीक है, टोटली तरीके से डाउन हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, अप गया, डाउन आया, मार्केट अप गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि कई लोग सोचेंगे कि ये अपना जो जोन है ब्रेक हो गया, काफी सारी कैंडल्स भी दी, मार्केट अप भी गया, थोड़ा सा रिटेस्ट भी करने आया, कुछ लोग तो इस कैंडल पे प्लान कर लेंगे अपनी एंट्री, तो मार्केट ये अप जाते जाते वापस डाउन क्यों आ गया, वो भी इतना नीचे। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रैप किया गया, पहली चीज एक ट्रैप ही हो गया। ठीक है, दूसरा ट्रैप कहाँ पे हुआ देखते हैं। दूसरा ट्रैप देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ये एक सपोर्ट एरिया बनता है कुछ इस तरीके से, इससे ऊपर कैंडल क्लोज कहीं भी नहीं हुई थी। ठीक है, अब ये कितनी बार टच किया देखिए, ये जो पॉइंट था ये था अपना सपोर्ट, देन बिकम रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ, तो फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, मतलब कि 10वें नंबर पे जब मार्केट आया उस टाइम मार्केट ने ब्रेक किया। चलो ब्रेक करने के बाद भी कोई इशू नहीं, मार्केट अप गया, अपन ने वेट किया, वेट किया, देन यहां तक आने के बाद अपना पेशेंस लेवल खत्म ही होता था कि अब तो एंट्री प्लान करने, पता नहीं मार्केट नीचे आएगा या नहीं आएगा। राइट, तो आपने जैसे एंट्री प्लान की तो बहुत बड़ा ये मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। राइट, तो आप लोगों को समझना है कि बैंकर्स आखिरकार ऐसा करते क्यों हैं, इनके करने के पीछे रीजंस क्या हो रहे हैं, ऑपरेटर्स वगैरह कैसे प्लान करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, समझनी है अच्छे से, ताकि जो प्रॉब्लम्स आज बैंकर्स या इन्वेस्टर्स वगैरह जो बड़े बड़े करते हैं वो आप ना करें, तो आपका पैसा जो है टोटली तरीके से सेफ रहेगा। राइट, और आप अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ भी ले पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप बैंकर्स वगैरह को बीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।